पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पुत्र कैसे मिलता है, माताएं बहने ध्यान से सुनना, और पुत्र भी वही अच्छा है कि पूत सुपत्र एक बतेरा चाहिए, बीस कुजाम नहीं, बस दुनिया भर की लावा बुराई और दूसरा काम नहीं। सो थे कोरो एक भी काम का नहीं, एक अच्छा हो वही दुनिया में इतना नाम कर दे। कैसे पुत्र मिलता है और कैसे इज्जत मिलती है, कैसे धन मिलता है, कैसे मन चाहा वर मिलता है, ध्यान से सुनना क्या कहा। प्रेम से भाईचारा, और जिसके मारे दुनिया मारी मारी अंडे है वो कैसे मिलेगा, ना किसी का घर दबे दे, ना किसी की जमीन दबे दे, ना डोड़ा काटे दे, वो मिल लगा तो न्यू मिल लगा। एक धन मिल जाता भाईचारा, धन मिल जाता दान करण से, व्रत से प्रीतम प्यारा। किस किस ने शुभ कर्म करे और उसको कैसा पुत्र प्राप्त होया। यही वो गर्भ है, यही वो द्वार है जिसने भगवान को भी पैदा किया। किस किस ने शुभ कर्म करे और उसको कैसा पुत्र मिला है। और आदरणीय बड़े भाई ने अपनी कलम से लिख भी रखा कि मां को कैसा दर्जा दिया गया। एक पूत की खतर माता कितनी काली सहले से, व्रत करे कदे मंदिर पूजे, भूखी प्यासी रह ले से, चंदा की जू गहले से लगा खोड़ के दाग दिया, धन धन हे करतार तने मारा जगा सोता भाग दिया। माँ का क्या दर्जा है, और इसी माँ ने सजनो कैसे कैसे पुत्र को जन्म दिया। क्या लिखा कवि ने, कौन कौन हो अरको सल्ला में,
कौशल्या ने कर्म करे, कौशल्या ने कर्म करे, सत रामचंद्र सा पाया था, नाम अमर हो गया कृष्ण का, वो देवकी ने जाया था, अंजना ने एक भूत जना ना हाथ किसे आया था, लोग भीड़ पड़ी जब रामचंद्र पे संजीवन बुट्टी लाया था, मान सम्मान करता है। जो बता रहा है 100 रुपए से आदरणीय जगदीश जी मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। 100 रुपए से काला लाइनमैन बिजली विभाग से, 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद है। पुत्र मिल गया सुत दारा लक्ष्मी घर, पापी कभी होए भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये तो पापी का भी है, लेकिन वही चीज कामयाब मानी जाती है जिसको दुनिया सराहा दे, जिसकी बड़ाई हो जा। हाँ भाई, इसका नाम अच्छाई में, फिर अच्छाई कैसे बनेगी मानस की? अपना हाथ अपने माथे का लाए दे, दो मनस में राम रवि हो, उसने चल दिया आना मानस सराहा दे, वह जिंदगी है। कवि ने लिखा भी है कि काका किसका धन हड़तार, कोयल किसको देती, अरे एक बोल के कारण सारा जग अपना कर लेती। सारा सारा बोल का खेल है, कौन कैसा बोलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आप शीतल होए। इंसान को ठंडा रहना चाहिए, सहनशील रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, ये संतों की पहचान है। क्या लिखा दूसरी कवि, दुश्मन ना कोई पावेगा, भीड़ पड़ी और दुख दर्द में कम भाईचारा आवेगा, पाटक नहरा चलेगा ते तन अर कोई तोड़े बगावेगा, अर जब तक दिल में प्रेम रहेगा वो सच्ची प्रीत निभावेगा, सच्ची प्रीत निभावेगा, मत तोड़ प्रेम के, तोड़ प्रेम के, सब करे से भाई।
भाई सतवीर जी 100 रुपए पहले, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बड़े भाई का धन्यवाद है। युवा साथी 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं, धन्यवाद है। राजेश डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। पुत्र मिल गया भाईचारे में इज्जत मिल गई, अब धन का जिक्र है लोगो। ये गरीब को तो चाहिए चाहिए, अमीर की भी बहुत लालसा है। जो मिलेनियर हो चुका उसको बिलेनियर बनना है, अरबपति खरबपति न जाने क्या क्या बनने की लालसा रहती है। ये तृष्णा जवान रहती है, तृष्णा कभी मरती नहीं बुढ़ी नहीं होती। तृष्णा सदा जवान रहे, बुढ़ी हो कभी मरे नहीं, बढ़ती चली जाती है। कैसे मिलता है धन, मैं नहीं कह रहा, हमारा इतिहास कह रहा है। जिसने इसके नाम से धन को लगाया है उसको 10 गुना 100 गुना करना वो इसका काम है। आज गौशाला में पत्थर लगवा दे दादा, तीसरी पीढ़ी में पोता आगे देखा छाती चौड़ी हो जाए मेरे दादा का नाम से भाई। और आज किसी कारण से किसी का बट्टा लाग जा, 7 पीढ़ियां तो इधर एयरप्लेन मांडे जा मानस, एक बट्टा लाग गया दाग लाग गया वो दाग नहीं बचा करता। अच्छा कार्य करे, गौर करें धन कैसे बढ़ता है। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कहे दास कबीर। अरे चिड़िया की चिड़िया की चिड़िया की एक चोंच भरे ते साकर का कुछ घटता ना, जिसकी नीति दान मलके कदे वो पछे न हटता ना। जीवन की कद गाटी रुक जा इसका बेड़ा पटता ना, दिया दान ते आगे आवे यू और किसे के पटता ना, दिया दान और किसे के पटता ना। अरे जीवन की कद गाड़ी रुक जा इसका बेड़ा पटता ना, न वही थाड़ है बैठे बैठे कुर्सी बार रिटायर हो गया मानस का, ईब तो फोन पर बात हुई थी इतनी आनंद उसने तो रख मार गया। क्या करें फिर, नाम रखना है तो फिर यू काम करो, जो वो कर गया उसका नाम आज भी है। अरे कुंती ने समान दानी बने, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है जो भी मान सम्मान किया ये लाखों रुपए के बराबर है। छोटा बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद। कुंती ने एक दंडी जड़ा था सुना हो करण बेचारा, धन मिल जाता दान करण से व्रत से प्रीतम चारा। अब मन सहावर कैसे मिलता है, और एक ऐसे कवि की रागणी है ये उसको एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। बड़े भाई जितेंद्र जी आदरणीय भाई साहब आजाद सिंह खंडा खेड़ी के शिष्य, परमात्मा ने थोड़ा कम समय दिया जिंदगी में रहने के लिए, उनको एक श्रद्धांजलि, एक बार जोरदार ताली बजा दो उसके नाम से।
ऐसे बोल लिखे जा रहे हैं भाई, क्या लिखा आखिरी कली में? भक्ति रस से आजाद सिंह भी वरत करे जो चंद्र के संग्रह करे।